नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ रात्रि धवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो यूपी में लोकसभा उपचुनाव का ऐलान, चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव होगा। 23 जून को मतदान, 26 जून को मतगणना होगी। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ी थी, आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट छोड़ी थी। अब उस पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ी थी, वहां पर उपचुनाव होने हैं। आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट छोड़ी थी, जहां पर भी उपचुनाव होने हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। यूपी में लोकसभा उपचुनाव का ऐलान, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव होगा। तो 23 जून को मतदान, 26 जून को मतगणना यहां पर होगी। चलिए बात कर लेते हैं बड़ी और अहम खबर की। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक कल सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। लोक भवन में कल सुबह बजट पर चर्चा होगी। तो कल बजट पेश होना है, उससे पहले कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, आज तीसरा दिन रहा और कल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सुबह के वक्त ये बैठक होगी योगी सरकार कैबिनेट की। इधर सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज तीसरे दिन भी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास नहीं बल्कि सरकार सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा रही है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को लेकर चर्चा की। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गर्मी निकालना अब गलत शब्द नहीं रह गया। नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये हमारे माननीय सदस्य के किसी के आंकड़े नहीं है अध्यक्ष जी, ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि शिक्षा के सूचकांक में सबसे नीचे से ऊपर 4वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। देश में गरीबी बढ़ाने वाले बड़े राज्यों में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे, इनोवेशन के मामले में देश का 16वां राज्य यूपी, भूखमरी में देश का 4था सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, नीति आयोग, फेक इनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी प्रदेश को मिले हैं तो माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सवालों के जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा ने जो भी विकास कार्य कराए थे तो कैसे पैसे जमीन बेचकर लाए थे। तो इस पर अखिलेश यादव तमतमा गए और उन्होंने भी जवाब दिया। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के, तुमने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए, तुमने राशन काटा है तो पिताजी से यूपी विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन रहा। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही कई विधायकों की सीट बदल दी गई। सीट बदलने को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से विधायकों की सीट बदलने की मांग की थी। इसके अलावा सभा के 12 अन्य विधायकों ने भी सीट बदलने की मांग रखी थी। शिवपाल यादव की चिट्ठी पर आज कई विधायकों की सीट बदली नजर आई। इससे पहले सपा सदस्यों ने अखिलेश यादव से भी सीटों को लेकर दिक्कतें बताई थी। सपा के विधायक स्वामी ओमवेश श्याम सुंदर, गीता शास्त्री और विजमा यादव समेत 17 विधायकों की सीट बदली गई है। हालांकि अभी तक शिवपाल सिंह यादव की सीट नहीं बदली।
बदली गई है। अब माना जा रहा है कि कुछ और विधायक भी सीट बदलने की मांग कर सकते हैं। इधर मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर छिड़े घमासान के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने चुनौती दी है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि दिल्ली की संसद ने एक ऐसा एक्ट पास किया है कि हम काशी और मथुरा के अपने देव स्थानों के लिए दावा नहीं कर सकते। हम दावा क्यों नहीं कर सकते, ये भला कहां का न्याय है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 और उसकी धाराओं को जनहित याचिका के माध्यम से चैलेंज किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने मांग भी की है कि कहीं से भी उपयोगी प्रतीत ना होने वाले इस अधिनियम के प्रावधानों से हमें मुक्ति दिलाई जाए। भारतीय संविधान में धर्म स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत जब हमारे धर्म पर प्रहार हुए तो एक ऐसा विधेयक ला करके कि हमारे भग्न मंदिर, और जिससे हम भले ही यह कह लें कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। गाजियाबाद के मोदी नगर के निवाड़ी रोड स्थित बाजार में कार से स्टंट करने के 3 वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें दोनों हाथों में ट्रॉफी जैसी कोई चीज लिए एक युवा कार की सनरूफ खोलकर स्टंट बाजी कर रहा है। दूसरे वीडियो में भी कार पर बैठकर स्टंट किया जा रहा है। वहीं तीसरी गाड़ी की नंबर प्लेट हटाकर उस पर चौधरी लिखा गया है, इस पर भी स्टंट किया जा रहा है। दोनों ही तीनों वीडियो मोदी नगर के बताए जा रहे हैं। इनके स्टंट के चलते रोड पर जाम के हालात भी पैदा होते हैं और राहगीरों को परेशानी होती है। किसी राहगीर ने ट्वीट पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस से मामले की शिकायत की है। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार इलाके में एक युवक को प्यार करना भारी पड़ गया। अपनी प्रेमिका से मिलने गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पहली नजर में यह ऑनर किलिंग का मामला नजर आ रहा है। पूरा मामला नैनी थाना क्षेत्र के हीरानंद मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां लड़की से मिलने रात के समय प्रेमी अरुण सिंह पहुंचा था। बताया जा रहा है कि सुबह लड़की के घर से गोली चलने की आवाज सुनकर मोहल्ले वालों की नींद टूट गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा तो अरुण खून से लथपथ था और लड़की लहूलुहान हालत में पड़ी थी। घायल युवती को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और युवक की मौत हो गई है। गाजियाबाद के लोनी बंतला नहर में गंदगी के चलते स्थानीय लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि यहां साबुन बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित है, जिसकी गंदगी के चलते इलाके में काफी दुर्गंध रहती है और वहां से गुजरने में काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि साबुन बनाने की फैक्ट्री में काफी मात्रा में मिट्टी नुमा कोई पदार्थ निकलता है, जिससे बंतला नहर को भी भर दिया गया है। साथ ही नहर के पास मौजूद पेड़ पौधे भी नष्ट हो चुके हैं। कई बार तो नहर का पानी पीने से कई जानवरों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को मामले में अवगत कराने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल यहां रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने विधानसभा में अपनी कुर्सी समाजवादी पार्टी के खेमे से अलग करने की अपील की है। अब इस मामले पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा, शिवपाल यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और अब विधानसभा अध्यक्ष इस मामले पर फैसला लेंगे। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अपने हमले का षड्यंत्र बना रहे हैं और वो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े माफिया की गाड़ी घूमते हैं, तो उन्हें डर किस बात का है? ये तो उनसे पूछना चाहिए कि किस लिए उसे उस खेमे में नहीं रहना चाहते।
उन्होंने अनुरोध किया है अगर विधानसभा अध्यक्ष जी से तो निश्चित तौर पे उस पर वो विचार करेंगे। ये लोग उन लोगों के आपस की बात है, हम लोगों को प्रतिक्रिया देना इस पर कोई टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कोई उचित बात है। बाकी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, या अव्यवस्थित लोग हैं, सिद्धांत विहीन लोग हैं, इनका क्या लेना देना है, कब क्या कहेंगे कब क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी है? झूठा प्रोपोगंडा है। इसी तरह आपको याद होगा तो विधानसभा के चुनाव में जब बनारस के अंदर उन्होंने तथाकथित अपने कार्यकर्ताओं से ही अपने ऊपर हमला बुला दिया, उसका किस तरह से प्रोपोगंडा किया, ये किसी से छुपा है? इनके जान को कहाँ से खतरा हो जाएगा? देश के सबसे बड़े माफिया की गाड़ी में घूमते हैं, इनको दुनिया से खतरा हो सकता है, इनको किससे खतरा होगा? इधर पूर्वांचल के कई प्रमुख स्टेशनों से कोलकाता जाने वाले कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। ये निरस्तीकरण 26 मई से लेकर 31 मई तक के विभिन्न तारीखों में किया गया है। रेलवे प्रशासन की ओर से पूर्व रेलवे के हावड़ा वर्धमान वेन लाइन पर यहां पर स्थित बंडेल अधि सप्तग्राम और मगरा स्टेशनों पर तीसरी लाइन के कमिश्नरिंग के काम से यहाँ पर नॉन इंटरलॉक काम चल रहा है, जिसे देखते हुए कुछ ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। साथ ही कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन हुआ है। ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई है। कांग्रेस के उदयपुर के चिंतन शिविर में अपने रिवाइवल का प्लान बनाया गया था, लेकिन जिसके बाद भी पार्टी को एक के बाद एक बड़े सियासी झटके लग रहे हैं। सुनील जाखड़ के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कपिल सिब्बल ने सपा का समर्थन हासिल कर लिया है। सिब्बल सपा के समर्थन से उच्च सदन पहुंचेंगे और कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कपिल सिब्बल आज लखनऊ पहुंचे और राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव मौजूद रहे। हालांकि सिब्बल ने अभी तक समाजवादी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन 16 मई को ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। 6 साल पहले भी कपिल सिब्बल यूपी से राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी थे और सपा ने इनका सहयोग किया था। इस बार सिब्बल ने कांग्रेस ही छोड़ दी है। गैंगस्टर और भू माफिया यशपाल तोमर से जुड़ी कार्रवाई में नोएडा में करोड़ों रुपए की जमीन का लिंक उत्तराखंड के आईएएस आईपीएस के परिवार से जुड़ता पाया गया है, जिसे लेकर यूपी पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूरा मामला जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश सरकार की ओर से गैंगस्टर और भू माफिया पर हथौड़ा चलना लगातार जारी है। अपराधी कितने भी शातिर हो, उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा के दादरी थाने में गैंगस्टर और भू माफिया यशपाल तोमर और एक महिला समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी उत्तराखंड में तैनात सीनियर आईएएस अफसर के ससुर हैं और दूसरे सीनियर आईएएस के पिता हैं, जबकि एक आरोपी आईपीएस अधिकारी का सगा संबंधी बताया जा रहा है। इसके साथ ही मुकदमे में शामिल एक कंपनी उत्तराखंड के पूर्व सीएम के रिश्तेदार की भी बताई जा रही है, जिनके नाम 100 बीघा जमीन दर्ज है। ये पूरा मामला नोएडा के चिठेरा गांव में करोड़ों की जमीन घोटाले का है, जिसमें अब जांच शुरू होने के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। जीरो टॉलरेंस की नीति है और नोएडा मामले में जो कार्रवाई हो रही है वह उसी नीति का परिणाम है। इसमें कानून अपना काम कर रहा है और जिन लोगों ने भी ये घोटाला किया है, चाहे वे माफिया हों या कोई और हों, चाहे कितने प्रभावशाली हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्म होने लगी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी जहां जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की कार्रवाई बताकर अपना बचाव कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में कई तरह के सवाल उठा रही है। पुलिस ने दादरी में FIR दर्ज की है और जिन लोगों के नाम FIR में है वो चौंकाने वाले हैं। उसमें उत्तराखंड के 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और 2 IAS अधिकारी और 1 IPS अधिकारी है और उनके परिजन इसमें शामिल हैं FIR की लिस्ट में। और कहीं ना कहीं इनके तार यशपाल तोमर, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि एक अरबों करोड़ों की संपत्ति वाला व्यक्ति है, भू माफिया है, उसके नाम या उसके साथ उनके तार जोड़े जा रहे हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से काम कर रहा है और इसकी परिणति ये सामने आई है, और अगर इस मामले में जांच बहुत साफ हो जाए तो कई और भी लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। इस मामले में कुछ राजनेताओं के नाम भी आ रहे हैं कि उन्होंने इस मामले में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उनकी एक कुछ कंपनी के भी नाम सामने हैं। अब राज्य सरकार में मुख्यमंत्री CM धामी पहले ही कह चुके हैं
कि उत्तराखंड में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बाकायदा दिल्ली की एक कार्यक्रम में यशपाल तोमर किया था, जिस यशपाल तोमर भू माफिया गैंगस्टर के साथ ये जो नौकरशाह है इनके परिजनों का नाम है जमीनें खरीदी गई है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि मामले पर उत्तराखंड पुलिस भी नजर बनाए हुए है, जिसमें अभी तक यही कहा जा सकता है कि मामला नोएडा का है और कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। गुंडागर्दी और भूमाफिया गर्दी का जो है खुलासा किया था, जिसका प्रेस नोट भी आपको रिलीज किया था, उसके आधार पर इसको अरेस्ट भी किया गया और इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ही इसके DM हरिद्वार को उसकी संपत्ति आदि कुर्क करने के लिए STF ने भेजा था। इस पूरे मामले पर CM पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये कानूनी प्रोसेस है और कानून अपना काम कर रहा है। ये मामला हमारे प्रदेश से बाहर का है और कानून जो भी कानूनी प्रक्रिया वहाँ पर हो रही है पीछे करना, पीछे कर कैमरा अपना काम करें। हमारे प्रदेश से आपको बता दें कि यूपी पुलिस के FIR में सरस्वती देवी, त्रिदेव कंपनी, कर्मवीर, यशपाल तोमर समेत कई ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र किया गया है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ हरिद्वार में 2002 में मुठभेड़ का मुकदमा चला था। 2012 में उसके सभी मुकदमों की जांच और कार्रवाई शुरू हुई। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के चलते 153 करोड़ की जमीन उत्तर प्रदेश STF ने कुर्की की। इसके बाद मेरठ प्रशासन ने उसे भू माफिया घोषित किया। पूरे मामले में अभी जाँच चल रही है। जाँच पूरी होने के बाद अंजाम क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता TV। इधर उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों में गोल्डन कार्ड की अव्यवस्थाओं को लेकर काफी नाराजगी है, जिसे लेकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ कर्मचारी एक बार फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की नीति पर कर्मचारी लगातार सवाल उठा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कार्ड बनवाने के साथ ही वेतन और पेंशन से कटौती के बावजूद इलाज की सुविधा नहीं मिल रही। इसमें मौजूद खामियों को ठीक कर इसे CGHS की तर्ज पर संचालित करने का फैसला हुआ था, लेकिन अब तक इस पर काम नहीं किया गया। गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर जिस तरह से जो व्यवस्थाएं गोल्डन कार्ड की योजना में परिलक्षित हुई है, प्रदेश के कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स इस अव्यवस्थाओं के कारण परेशान है और इसका सारा दोष राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण पे है। हम लोगों ने आज महासंघ की तरफ से इन खामियों को लेकर जिस तरह से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर पर बिलों को वापस लौटाया जा रहा है, अनावश्यक उसमें क्वेरीज लगाई जा रही हैं और जो योजना एक सरलीकरण की तरफ थी वो एक उपयोगी के रूप में हम लोगों ने ये योजना बनवाई थी और ये उम्मीद की थी कि राज्य कर्मचारियों को, शिक्षकों को, पेंशनर्स को और निगम निकाय के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और एक ATM कार्ड के रूप में इस योजना को संचालित करने में बल मिलेगा। इधर मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए भारी बारिश और बर्फबारी के अलर्ट जो हैं वो सच साबित हो रहे हैं। केदारनाथ धाम समेत हिमालयी क्षेत्रों में जहां जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है। केदारनाथ धाम में मई माह में दिसंबर जनवरी जैसी बर्फबारी जारी है, जिससे कि धाम में पहुंच रहे यात्रियों को भारी ठंड और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। तेईस मई और 24 मई को मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया था। इस बारिश और बर्फबारी का बुरा असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। 23 मई को जहां दिन भर बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा बंद रही, वहीं आज कुछ देर के लिए यात्रा खुलने के बाद बारिश होने पर फिर से यात्रा को बंद कर दिया गया है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने की सलाह दी जा रही है। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। धाम में इन दिनों दिसंबर जनवरी जैसी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी और बारिश के कारण यात्रा चरमरा गई है। धाम पहुंच रहे यात्रियों को इस बारिश और बर्फबारी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल से गौरीकुंड से केदारनाथ में रुक रुक करके बारिश हो रही है और आज सुबह से केदारनाथ में लगातार बारिश के साथ काफी बर्फबारी केदारनाथ के अंदर हो रही है, जो कि आए हुए तीर्थ यात्रियों को बर्फबारी से काफी परेशानी हो रही है। रहने की भी थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं, ठंड भी काफ़ी हो रही है और यात्रा पे जो लोग अभी यात्री आ रहे हैं, जो जहां हैं, मेरी आप सभी को सलाह है आप वहीं रहे। मौसम साफ होते ही आप केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करें। लगातार हो रही बारिश के कारण
यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए गौरीकुंड और सोनप्रयाग में केदारनाथ दर्शन करने जा रहे यात्रा को सुबह 10:30 के करीब अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। वहीं बार बार केदारनाथ में मौसम खराब होने से ठंड ज्यादा बढ़ रही है, जिस कारण केदारनाथ में यात्रियों की मौत भी हो रही है। 20 दिन की यात्रा में जहां 3 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, वहीं 3 भक्त अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इनमें 29 भक्तों की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। स्वास्थ्य विभाग से ये सलाह दी जा रही है कि पहले तो अगर किसी के अंदर पहले लंबे समय से कोई कोमॉर्बिड स्टेज है, कोई भी बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी रही हो, तो वो यात्रा भी अवॉइड कर सकते हैं जब तक कि पूरी तरीके से फिट नहीं हो। और उनका जगह जगह पे हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। ये एडवाइस दी जा रही है कि प्रॉपर गर्म कपड़ों के साथ में ही ऊपर यात्रा करें। यात्रियों से ये अपील है कि जो भी यात्री यहाँ आ रहे हैं वो अपने साथ खूब गर्म कपड़े लेकर आए, साथ ही मौसम साफ होने पर यात्रा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।